है hey देव दोस्तों एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन फुटबॉल के इस पहलू के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा हमको सुनने में आ रहा है ऐसे भी बहुत कुछ ट्रांसफर टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं हमारे अपने मोहन बगान के बारे में जहाँ कि हम लोग को पता है कि ऐसे ऐसे ट्रांसफर हुए हैं इस साल जैसे कि उसको बहुत ही ब्लॉकबस्टर ट्रांसफर भी बोल सकते हैं Mercedes. Rolls Royce. तो चलिए डिस्कस करते हैं उसके पहले कि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो लोग सब्सक्राइब कर लिए भाई दिल से आपको दुआ है और क्या ही बोले इस फैमिली को बढ़ाने के लिए और इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करने के लिए तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं इस दो पहलू पर तो भाई जो अभी नया ट्रांसफर टॉक आ रहा है मोहन बगान के बारे में वो है कि पहल ने हमारे यहाँ एक्सेप्ट कर लिया है आने का जो कि हम लोग जानते हैं इसके पहले अनिरुद्ध थापा चेन्नईन से यहाँ आ चुके हैं उसके पहले हम लोग ने सिडिकु को साइन किया उसके पहले हम लोग ने कमिंग्स को साइन किया ऑस्ट्रेलिया से तो अभी जो हम लोग का जो टीम बनने वाला है जो मतलब मरीनर्स का टीम बनने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है क्योंकि डिमी पेट्राटोस हैं वहाँ फ्रंट लाइन पे उसके साथ अभी कमिंग्स आ चुके हैं उसके बाद सिदीकू आ चुके हैं अल्बेनिया से अब अगर आप लोग देखना चाहते हैं मिडफील्ड में मिडफील्ड में तो पहले से ही हम लोग के बेहतरीन सब मिडफील्डर्स प्रेजेंट थे हाँ अभी चलिए ये जो हाल ही का सहल का जो अभी आना हुआ उससे भी बहुत ज़्यादा हम लोग को एक पुश मिलेगा मिडफील्ड पे और अटैकिंग पे और उनके साथ हमारे लेकिन एक सबसे बड़ा हम लोग से जले गए एक जन वो है प्रीतम कोटाल प्रीतम कोटाल को हम लोग ने ट्रांसफर में ये स्वैप किया सहल के साथ विथ सम मोर ट्रांसफर फी क्योंकि केरला ब्लास्टर्स में उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है केरला ब्लास्टर्स ऐसी बोलती हैं कि वी नीड प्रीतम मोर देन एनी थिंग आई डोंट नो वाई इज इट सो बिकॉज प्रीतम ने आगे वाले सेशन में बहुत अच्छे से मैच जिता के दिखाया था वी वोन द ट्रॉफी ऑफ आई एस एल एंड इस बार भी केरला ब्लास्टर्स वही प्लान कर रही होंगी एज इन फॉर मेकिंग हिम द कैप्टन ऑफ केरला ब्लास्टर्स तो ये एक र्यूमर था जो कि अभी सही होते हुए दिख रहा है और एक र्यूमर जो हम लोग को सही होते हुए दिख रहा है वो है द कोस्टरिकन प्लेयर जोनाथन मोया का हैदराबाद एफ सी पे एज अ स्ट्राइकर ज्वाइन करना थर्टी वन ईयर्स ओल्ड दिस प्लेयर हैज़ प्लेड फॉर द नेशनल टीम एंड हम लोग को कुछ बेटर फुटबॉल हैदराबाद एफसी के वहाँ से भी देखने को मिलेगा क्योंकि हैदराबाद एफसी सी तो बहुत अच्छी फुटबॉल खेलती है आईएसएल पे ऐसा तो हम लोग बोल नहीं सकते बेट आर वन ऑफ़ द बेस्ट टीम्स इन आईएसएल राइट नाउ सो हैदराबाद एफसी को ज्वाइन करते हुए जॉनथन मोया फ्रॉम कोस्टारी का थर्टी वन ईयर्स ओल्ड प्लेयर स्ट्राइकर देखते हैं कैसे खेलते हैं वो और कैसे अपने फॉरवर्ड लाइन को ये बेहतर करते हुए क्योंकि ओके पेछे तो हैदराबाद एफसी में खेलते थे आगे वाले सीजन तक और वो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स हमको लगा आईएसएल पे अभी तक का क्योंकि उनका गोल स्कोरिंग एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो अभी इस मौसम में देखने वाले हैं हम लोग कैसे जनार्थन मोया खेलते हैं हैदराबाद एफ में नेक्स्ट जो हम लोग का आज का खबर है जो कि ए के खेमे से है वो है कि हमारे प्रेजिडेंट कल्याण चौबे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले अभी तक ये साफ नहीं है कि क्या बात हुआ उन दोनों के बीच में बट वी आर श्योर दैट दे हैव टॉक्ट अ लॉट अबाउट इंडियन फुटबॉल एंड द बेटरमेंट ऑफ इंडियन फुटबॉल बिकॉज एंडोर्समेंट एंड ऑल द गवर्नमेंटल नीड इज नीडेड द फंड आर नीडेड इन आवर ओन ए आई एफ एफ इज बिन टॉक्ड आउट बाई प्रेजिडेंट कल्याण चौबे एंड द होम मिनिस्टर अमित शाह सो हमारे ये जो टॉक्स का जो बिल्डअप है अभी ए एफ सी एशिया कप के आगे कैसा बनता है इंडियन टीम को कैसा सहूलियत मिलता है इंडियन फुटबॉल टीम एब्सुलटली तो देखते हैं क्योंकि 2011 में जब हम लोग गए थे या 2000 थाउजेंड हाँ इलेवन में ही हम लोग जब गए थे तब हम लोग को सहूलियत मिला था बी के वहाँ से और ये भी बोला जाता है कि बी का अभी तक लोन हमने ये आई ने पे नहीं किया तो ये जैसे कि हम लोग पता ही है कि अपने ही डिपिजिट में चल रही है कैसे ही उनको लोन पे आउट करें तो दिस इज़ वन ऑफ द टॉक विच वी आर गेटिंग टू नो फॉम कल्याण चौबे एंड लेट्स इसके ऊपर क्या तैयार होता वी आर वेरी कीन अबाउट नोइंग नेक्स्ट जो आता है वो है कि अभी तक इंडियन वोमेंस टीम जो नेशनल टीम है इंडियन वुमेन्स नेशनल टीम का कोच तय नहीं हुआ अभी तक मतलब वो लोग बात ही कर रहे हैं इस विषय के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर सो दे आर टॉकिंग अबाउट दिस एंड हुम टू एक्चुअली टेक अबाउट बिकॉज इंडियन वोमेन टीम हैज़ एन ओलंपिक टू प्ले जस्ट नियर इन अक्टूबर एंड वी हैव टू सी हु ए इज़ गोइंग टू गो फॉर द इंडियन नेशनल कोच फॉर द वुमन्स टीम इसके लिए नाम तो बहुत आए हैं लेकिन विदाउट बिंग श्योर आई डोंट वॉन्ट टू पास द इंफॉर्मेशन टू यू पीपल सो लेट सी हुज बीन चूज लाइक टू लीड द इंडियन वुमेंस टीम विच इज़ वेरी नीडेड अगेन और इसके बाद जो सबसे बड़ा खबर है ए आई एफ एफ ने अभी तय किया है कि आई लीग का बजट वो लोग कट डाउन करेंगे क्यों कट डाउन करेंगे ये अभी तक बोला नहीं गया है पूरे तौर से लेकिन ए का कहना है ये कि आई लीग पे हम लोग बजट कट डाउन इसलिए कर हैं क्योंकि इंडियन नेशनल टीम को हम लोग को बजट करना पड़ेगा आई लीग बजट बीन मिनिमली चॉप डाउन टू फोटीन करोड़ समवेयर फिफ्टीन करोड़ से तो ये ज़्यादा तो मतलब कम नहीं है बट इंडियन नेशनल टीम का जो बजट है हैज़ बीन ग्रोन वेरी मच सो ये हम लोग को जो देखने को मिला दिस हेड बीन सेट बाई दिकॉज ऑफ़ द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फुटबॉल इंडियन फुटबॉल को कैसे ये लोग डेवलप करना चाहते हैं आए हुए दिन पे इसके ऊपर ये लोग का बात था सो ए आई एफ एफ एक्चुअली कट डाउन आई लीग बजट टू इम्प्रूव द इंडियन नेशनल टीम द सीनियर मेन्स इंडियन नेशनल टीम एंड उन्होंने ये भी प्रिस्क्राइब किया कि इंडियन वुमेंस टीम का जो एट करोड़ बजट था अभी ये वो टेन करोड़ बना के कर दिया गया है विच इज ऑल्सो अ गुड इंक्रीमेंट क्योंकि इंक्रीमेंट तो चाहिए भाई पैसा चाहिए पैसा नहीं दिखेगा तो कहाँ से हम लोग और प्लेयर्स को आगे लेके जा पाएंगे उनको अच्छी फैसिलिटी दे पाएंगे लेकिन उनके साथ हम लोग ये भी बात कर सकते हैं कि अमित शाह के साथ उनका जो बात हुआ होगा इस पर हम लोग एक चीज़ मांग कर सकते हैं हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर से कि ऐसे में वो हमारे यहाँ फीफा स्टेडियम्स बनाए फोली हमारे फुटबॉलिंग कम्यूनिटी के लिए हो सो वी वॉन्ट डेडिकेटेड फुटबॉलिंग पिचज़ एंड फुटबॉलिंग स्टेडियम्स विच इज़ ऑल्सो फी फैक्रेटेड फॉर्म आवर गवर्नमेंट सो हमारे गवर्नमेंट से एक ही विनती रहेगी कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए कि इंडियन फुटबॉल को आगे ले जाने में हम लोग को दुविधा न और इसी के साथ हम लोग लास्ट वाले व्यूमर्स पर बात करना चाहेंगे कि जो है हमारे इंडिया में अभी जितने भी क्लब्स हैं ना आईएसएल के जितने भी क्लब्स हैं मोहन बगान हो गया बीएफसी हो गया केरला ब्लास्टर्स हो गया चेन्नईन हो गए ये लोग अपने डेडिकेटेड एक फुटबॉल पिचेस बनाने के सोच रहे इट्स अ लॉन्ग रन थिंग लाइक यू नो दे आर वांटिंग टू मेक देयर ओन डेडिकेटेड जैसे हम लोग देखते हैं प्रीमियर लीग्स में दैट एवरी क्लब हैज़ देयर ओन डेडिकेटेड फुटबॉल स्टेडियम्स so likewise we also want this kind of stadiums to be made. Administrations of all these clubs are wanting to make stadiums like this for their long term run. to तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि जितना देखिए हम लोग को ऐसा banana बनाना पड़ेगा जहाँ audience ऑडियंस पूरे मैदान के सामने आके बैठ पाए जैसे कि प्रीमियर लीग में होता है देन ओनली यू विल सी दैट हाउ द इंट्रैक्शन बिटवीन द ट्वेल्थ मैन विच इज द ऑडियंस एंड द प्लेयर्स आर गोइंग टू लिंक्ड इन जो कि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है अभी के जो पीचेज है इवन मोहन भगवान के जो पीचेज है वो अभी उतने बड़े नहीं है कि हम लोग इतने बड़े पैमाने पे आई को कंडक्ट कर पाए उस पर इसलिए हम लोग का जो फुटबॉलिंग मैचेस होता है वो युवा भारतीय क्रियांगन में होता है जो कि सॉल्ट लेक में है लेकिन जो मदर पिच है जो क्लब का अपना पिच है वो उतना बड़ा है नहीं तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए जितने भी अभी के टीम्स हैं जैसे हम लोग ने बोला केरला ब्लास्टर चेन्नई और ईस्ट बंगाल इवन मोहन बागान तो ये लोग अभी सोचे हैं कि लॉन्ग टर्म में ये लोग दे विल बी मेकिंग देयर ओन पीचेस इन विच दे कैं सो आज के लिए इतना ही था दोस्तों कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा इस फुटबॉलिंग न्यूज़ के बारे में ऐसे ही एपिसोड में लाते रहूँगा कल फिर से एक नया एपिसोड के साथ आप लोग के साथ यहाँ हाजिर होंगे तब तक के लिए अच्छे रहिएगा एंड आई एल बी बैक विद अ न्यू एपिसोड